नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली सड़क परियोजना पटना गया डोभी के निर्माण को लेकर पटनावासी बेहद ही खुश थे, लेकिन पटना उच्च न्यायालय की दबिश के बावजूद भी तय समय में पूरा ये नहीं हो पाएगा। वैसे तो योजना के अनुसार इस सड़क को 4 लेन का बनाना था, लेकिन ये सड़क 1.5 साल के बाद भी आधी नहीं बन सकी है। ऐसे में इस परियोजना का समय पर पूरा होना नामुमकिन लग रहा है। इस परियोजना के शुरू होने की अगर हम बात करें तो NH-83 पटना गया डोभी परियोजना के पहले फेज का काम एजेंसी को 14 दिसंबर 2020 को दिया गया। 39 किलोमीटर की इस परियोजना को इसी साल यानी कि दिसंबर 22 तक ही पूरा होना था, लेकिन अभी जो हालात है उसके अनुसार तो अब तक इस परियोजना की भौतिक प्रगति मात्र 27% ही हुई है और राशि भी मात्र 20% ही खर्च की गई है, यानी कि मात्र 9 किलोमीटर सड़क का ही निर्माण हो सका है। जिससे एक बात तो तय है कि जो योजना बनी थी कि दिसंबर 22 तक इसे खत्म कर दिया जाएगा, तो अब बाकी बचे 30 किलोमीटर का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा होना ऐसा नामुमकिन लग रहा है। हालांकि अभी जो काम चल रहा है उसके अनुसार अब इसे मार्च 23 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि अब इस परियोजना के दूसरे पैकेज का काम एजेंसी को 9 नवंबर 2020 को दिया गया था। इसका निर्माण कार्य भी दिसंबर 22 में पूरा होना है। 44 किलोमीटर की इस परियोजना में अब तक मात्र 19.5 किलोमीटर ही निर्माण हो सका है। परियोजना की भौतिक प्रगति 38% तो वित्तीय प्रगति 26% ही है। इसे भी अब मार्च 23 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना गया डोभी 127 किलोमीटर है, वहीं इस परियोजना की लागत 1582 करोड़ रुपए की है। 4 लेन की इस परियोजना पर 2020 में काम शुरू कर 2022 तक पूरा कर लेना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी और एजेंसी की सुस्ती के कारण ये तय समय में पूरी नहीं हो सकेगी। मार्च 23 नई तारीख तय की गई है। अब इस अवधि में सड़क का निर्माण पूरा हो जाए तो पटना गया और जहानाबाद को सीधा लाभ होगा। इतना ही नहीं, गया के रास्ते झारखंड आना जाना भी आसान होगा। मौजूदा समय की बात करें तो इसमें पटना गया सड़क पर ही सबसे अधिक जाम की समस्या लग रही है। मिनटों का सफर लोग घंटों में तय करने पर मजबूर है। इस सड़क के बनने से लोग कम समय में अधिक दूरी तय कर सकेंगे, जिससे बिहार को एक और सड़क की सौगात मिलने वाली है। बिहार के लोगों को सड़क की कनेक्टिविटी भी मजबूत मिलेगी, जिससे लोगों को आने वाले समय में जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगा। बिहार की एक बड़ी आबादी अभी भी जाम जैसी समस्या से हर दिन जूझती रहती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।